बगैर मास्क के इसको भी करो पास, इसका नाम लिखो पुलिस वाले का। आपके ड्यूटी में आपके साथ कौन होता है? हवलदार है जी। तो वहाँ जब अखार लग गया वो भी वकील ये आज हमने एक ड्राइव शुरू किया है। जो भी लोग हमें पकड़े जाएंगे विदाउट मास्क, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, ड्राइवर्स हों या पेडेस्ट्रियन हों, पब्लिक प्लेसेस पे बगैर मास्क के कोई निकलेगा, उसमें हमें हदायत हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, कि आप उनको फाइन इम्पोज करें। और अगर कोई फाइन देने से रिलक्टेंट है तो उसको 188 के तहत उसकी प्रोसीडिंग ले लें, उसको FIR दे देंगे हम। ये इसलिए ऑर्डर निकला है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि वो मास्क रखें। और दिन ब दिन जो कोविड के केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, प्रिकॉशन लेके बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये पेंडेमिक जो है इसको कंट्रोल करने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। और लोग जो हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करने के लिए बाहर तो निकलेंगे ही, तो उसके लिए मास्क लगा के निकलें ताकि हमारे काम भी सफर ना हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन सफर ना हो। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला है कि लोग मास्क लगा के निकलें और प्रिकॉशंस लें ताकि बीमारी ना फैले और हम अपने काम काज रोज़मर्रा के आसानी से कर पाएं। आपने जुर्माना भी किया है और जो लोग रिलक्टेंट रहे हैं फाइन देने में, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई भी करूँगा। उनकी लिस्ट एक मैं SHO को भेज दूँगा, उनके खिलाफ FIR भी दे देंगे। फाइन अभी मैंने शुरू किया है और उसमें कोई कलेक्ट किया हमने 8-10 लोगों से फाइन। और चूंकि ये सिंहपुरा का एरिया, इसमें मार्केट इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम इसमें जितना भी एहतियात बरत सकें इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आगे क्या हो गया सर? हम बिल्कुल डेली बेसिस पे फाइन इम्पोज करते रहेंगे। इसमें डी साहब ने हदायत की है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, और उसमें ऑफिसर डिजाइनेट किए गए हैं कि कौन अफसर फाइन इम्पोज कर सकता है। तो उसमें वही लोग जो हैं वो तमाम ऑफिसर निकलेंगे और जो वायलेटर होगा उसको फाइन इम्पोज किया जाएगा। आपकी मदद से मैं चलते चलते ये भी बताना चाहूँगा अपनी पब्लिक को कि वो बिल्कुल कॉपरेट करें और मास्क लगा के निकलें और सामाजिक दूरी का एहतमाम करें। थैंक यू। Retail stories that are there. Stories where we become your wife. Stories which matter to you. Sense, not sensationalism. News that truly impact you. We are looking for facts. Not opinion. No agenda. But a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you.